नमस्कार दोस्तों हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों एक की मात्रा वाले दो अक्षरों के बहुत सारे शब्दों को बिल्कुल सिंपल तरीका से हाँ दोस्तों एक एक चीज़ों को बिल्कुल सिंपल तरीका से आपको मैं लिखना सबसे ज़्यादा दोस्तों दिक्कत होती है दोस्तों को लिखने में तो आपको लिखना और पढ़ना दोनों साथ में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाने वाला हूं तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा तो आइए दोस्तों ऊपर से हम लोग एक एक चीज को खूब ध्यान से समझकर और लिखने का प्रयास करेंगे पढ़ना तो हम लोग सीखेंगे ही चलिए दोस्तों ऊपर यहाँ पे देखेंगे आप ये जो ए लिखा है दोस्तों इसका मात्रा क्या होता है देखिए यहां पे ये ए है और इसका मात्रा एक एक होता है जैसे कि क में लगा है तो की हो गया है अच्छा बोलकर देखिए आप ए क में लगा तो की च में लगेगा तो छ प में लगेगा एक ही मात्रा तो पे यानी किसी भी अक्षर में ये लगेगा तो एक के रूप में ही इसका उच्चारण होगा दोस्तों बाकी सब मात्रा को मैं पढ़ा दिया हूँ बिल्कुल आसानी से एक एक चीज को क्लास वाइज करके मैं पढ़ा दिया हूँ अच्छा देखिए किसी भी अक्षर में ये मात्रा लगेगा तो एक के रूप में उच्चारण होगा और जब दो अक्षर एक साथ मिलेगा तो जो शब्द बनेगा उस शब्द में भी जैसे यहाँ पे देखेंगे स में एक की मात्रा से और जोड़ा गया है वा के साथ एक शब्द बना सेवा म में एक ही मात्रा में जोड़ कौन सा शब्द बना मेघ रा जोड़ ध में एक ही मात्रा धे राधे द में एक ही मात्रा दे जोड़ वी कौन सा शब्द बना देवी तो लिखते समय कैसे ध्यान रखना है देखिए कुछ शब्दों को यहां पे थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं फिर आगे लिखने का हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे इस प्रकार के शब्दों को सुनते ही लिख देना है देखिए यहां पे लिखा है स में एक की मात्रा से सेब अच्छा इस एक की मात्रा को एकले भी बोला जाता है जैसे ख पर एक खेत खेत द पर एक देवी, देवी। स पर एक से वा, सेवा द पर लिए देश देश व पर एक वेणु वेणु अब लिखने अगर लिखना हो तो कैसे जैसे मान लीजिए आपको कोई बोलता है लिखने के लिए देवी तो देखिए तुरंत आपको ध्यान देना है कि देवी यानी द में एक ही मात्रा का उच्चारण हो रहा है यानी द के तुरंत ऊपर क्या देना है एक एक दे देना है और व में ऐसे बड़ी की मात्रा क्या हो गया देवी मेला अगर मेला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे म में एक की मात्रा ला मेला अगर लिखना हो सेवा तो सेवा कैसे लिखेंगे स में एक की मात्रा से व सेवा अच्छा इस एक को एकले भी बोला जाता है कैसे यहां पे देखिए ज पर एकले जेब जेब ख परले खे ल खेल, खेल। र पर एकले रे रेप, रेप। भा पर के लिए भेड़ भेड़ छ पर के लिए छे द छेद द पर के लिए दे र देर र पर के लिए रे रेत म पर के लिए मे मेज ल पर के लिए ले लेखा लेखा म पर के लिए मे मेल द पर के लिए दे देव फ पर के लिए फेर फेर ज पर के लिए जे ल जेल स पर के लिए से ब सेब छ पर के लिए चे ट चेट ब पर के लिए बे र बेर ब पर के लिए बे ल बेल र पर के लिए रे ल रेल स पर के लिए से ठ सेठ ज पर ले जेठ जेठ व पर वे पर 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 ले तेल तेल अब दोस्तों जो इतना हम लोग पढ़े हैं मैं इसमें कुछ शब्दों को बोल रहा हूं आपको लिखना है देखिए जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो बेल तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा बेल यानी ब पर एक, एक एकले लगेगा क्या लगेगा एक यानी ब पर एक बे और ला, बहुत आसान है दोस्तों बेल अगर लिखना हो खेल देखिए ख पर एक खे ल खेल अगर लिखना हो जेल तो ज पर एक जे जेल अगर लिखना हो रेत क्या लिखना हो रेत तो रे रे रेत अगर लिखना हो मेज तो म पर एक मे मेज अगर लिखना हो सेठ तो स पर एक से ठ सेठ अगर लिखना हो दोस्तों तो तो पेट तो पेट अच्छा ये सब जो शब्द पढ़े हैं इसमें पहले वाले अक्षर में एक ही मात्रा था अब मैं आगे आपको वो शब्द सिखाऊंगा जिसमें बाद वाले अक्षर में एक ही मात्रा होगा फिर ऐसे शब्द को सिखाऊंगा जिसमें दोनों में एक ही मात्रा होगा दोस्तों स्टेप वाइज एक एक चीज को मैं आपको सिखाने वाला हूं खूब ध्यान से इस क्लास को लास्ट तक देखना है दोस्तों छोड़ना नहीं है देखिये यहाँ पे लिखा है के लिए शेर शेर ये तो ऊपर वाला में था देखिए यहाँ पे भा ग पर के लिए गी भागे सा र पर सारे जा त पर के जा ल पर जाले गा त तो पर गाते ता र पर तारे भा ल पर भाले खा त पर ले खाते छा ल पर ले छाले ना च पर ले चे नाचे ता ल पर ले ताले का ल पर ले ले काले हा र पर ले रे हारे हा र पर ले खारे अब देखिए ये तो था जिसमें अगले अक्षर में दोस्तों एक ही मात्रा था और जो ऊपर आप पढ़े हैं मैं बहुत सारे शब्द को पढ़ा हूं। जिसमें क्या था पहले वाले अक्षर में जैसे वे वेद ने ने के टे म टेम। तो ये जो था पहले वाले अक्षर में एक ही मात्रा था तो ध्यान देना है कि किस अक्षर में लगा है तो जैसे ही कोई आपको बोलता है लिखने के लिए तो आप उसको सुनेंगे तो क्लियर देखना है ध्यान देना है कि किस अक्षर में कौन सी मात्रा है जैसे बोला जाता है आपको लिखने के लिए खाते तो तुरंत ध्यान देना है खाते यानी त में होगा यानी खा लिख लेना है और त में ऐसे एकले दे देना है खाते अगर लिखना हो वाले तो देखिए वा और ल में एक ही मात्रा से ले वाले तारे क्या लिखना हो तारे तो त ता, और र में एकले तारे ठीक ना सारे तो देखिए सा रा में रे ऐसे सारे माले तो देखिए मा ल में एक ठीक ना छाले तो देखिए छा ल में एक छाले तो इस तरीके से दोस्तों दोनों पढ़ लिए और भी कुछ शब्द है इसको भी थोड़ा सा देखिए यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट भी इसको पढ़ा जा सकता है बिना एकले बोले जैसे यहाँ पे देखिए नाचे नाचे ताले ताले, टेम टेम, काले काले, हारी खरी खारे खारे, माने माने, पाले ला लाले लाले, वाले वाले जाने जाने मेला मेला हेमा हेमा ढेर ढेर हेरा हेरा लेना लेना ठेला ठेला बेला बेला खेला खेला फेरा फेरा तो ये सब शब्द आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं अच्छा दोनों में अगर एक ही मात्रा हो दोनों अक्षर में जैसे यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे देखेंगे म में एक की मात्रा और फिर र में एक की मात्रा यानी मेरे मेरे इसको एकले बोलकर ही पढ़ने में सुविस्ता रहेगा दोस्तों क पर एक ले के ल पर एक ले केले ठ के पर एक ठे ल पर एक ले, ले, ले और भी बहुत सारा शब्द है नीचे देख लीजिए पर के लिए ल पर ले चेले तपे ते र पर ले रे तेरे अच्छा अगर स पर यहाँ पे एक रहता तो कैसे इसको पढ़ते प पर सर से पेशे घ पर ले घेर रे घेरे म पर के लिए मे ल पर ले मेले पर के लिए फे र पर ले रे फेरे ठीक है तो दोनों में एक ही मात्रा था यहां पे क्या है दोनों में एक ही मात्रा है तो इस प्रकार के शब्द को कैसे लिखेंगे जैसे मान लीजिए आपको कोई बोलता है लिखने के लिए घेरे तो देखिए तुरंत ध्यान देना है कि दोनों में है तब तो, तो और आसान है दोनों में आसानी से एक दे देना है घेरे ठीक है ना पेशे पे शे ऐसे पेशे रेशे देखिए रे शे रेशे चेले चे ले चेले ठीक ना तेरे देखिए तेरे तेरे चेले मेले केले केले लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे के लप्र के ले केले अब दोस्तों सब में से मिलाकर यहाँ पे कुछ और प्रैक्टिस कराने के लिए मैं लिखा हूं यहाँ पे एक साथ मेरे साथ पढ़ लीजिए फिर मैं लिखवाऊंगा भी देखिए मी ठे मीठे नी चा पर ले नीचे ज पर ले जेठ जेठ पी सा पर ले पीछे लेखे तीखे पी छापर के पीछे सी खा पर लेखे सीखे मी च पर ले छे मीचे चापर के लिए चेन चेन सीधा प्रकले दे सीधे भी ग प्रकले गे भीगे म प्रकले मेथी मेथी क प्रकले केली केली म प्रकले मेरी मेरी छ प्रकले क्षेत्र क्षेत्र क प्रकले केशी केशी ख प्रकले खेत खेती खेती तो तपर के लिए तेरी तेरी तपर तो के लिए तेली तेली सपर के लिए शेखी शेखी त्रेता त्रेता बेड़ी बेड़ी छेनी छेनी पेटी पेटी क्या पढ़ेंगे दोस्तों पेटी भेली भेली बेटी बेटी तेज तेज सूखे सूखे फूटे फूटे जूझे जूझे भूखे भूखे छूरे छूरे जेन जेन चूके चुके लूटे लूटे चूहे चूहे कूदे कूदे फूटे फूटे खेद खेद रूठे रूठे, रूठे पुणे पुणे तूने ने क्या पढ़ेंगे दोस्तों तूने सुने सुने फूले फूले गेज अज बूझे बूझे पूरे पूरे लूटे लूटे झूठे झूठे कूटे कूटे हे शेरु शेरु मे नू मेनू रेणु रेणु अब दोस्तों मैं शब्द बोल रहा हूं आपको लिखना है तीन सेकंड का टाइम रहेगा तीन बार मैं बोलूंगा चौथा बार मैं खुद से लिखूंगा आपको मिलाना है चलिए पहला शब्द लिखेंगे दोस्तों पहला शब्द लिखेंगे पुणे क्या लिखेंगे पुणे पुणे देखिए पुणे लिखा गया पुणे ऐसे पुणे ठीक ना खेदू क्या लिखना है खेदू खेदू खे दू खेदू, खेदू, खेदू भूखे क्या लिखना है भूखे भूखे देखिए भू खे भूखे सूखे अगर लिखना हो सूखे तो ही नहीं सूखे सूखे रूखे क्या लिखना हो रूखे देखिए रूखे रूखे तो दोस्तों इस तरीका से आप एक ही मात्रा वाले शब्दों को आसानी से लिख पाएंगे पढ़ पाएंगे दोस्तों ऑलरेडी मैं बहुत सारे क्लासेज हिंदी का करा दिया हूं मेरे चैनल पे अवेलेबल है अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए आगे भी मैं रेगुलर क्लासेज कराते रहूँगा और मैं इसका नया सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी जिसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो लेवल से आपको एक एक चीज़ मिलने वाला है इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश का वीडियो तो अब रेगुलर अपलोड हो ही रहा है दोस्तों हिंदी का भी बीच बीच में चलते रहेगा तो चलिए दोस्तों आज क्लास ये पे एंड करते हैं मिलते अगले क्लास में जय हिंद